ऐसा क्या हुआ कि बाबा गोरखनाथ को स्त्री का रूप धारना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि एक औरत के रूप में गोरखनाथ जी को कार्य करना पड़ा? एक महान शक्ति गुरु गोरखनाथ, जो सन्यासियों के सन्यासी, देवताओं के देवता हैं, उनको ऐसा क्या हुआ कि एक स्त्री रूप में आकर कार्य करना पड़ा? अगर ये जानना चाहते हैं और आपकी दिलचस्पी है बाबा गुरु गोरखनाथ के जीवन के उस अनछुए पहलू के बारे में हम आज बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं, और नए नहीं हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरु गोरखनाथ की महिमा को पहुँचाइए। बने रहिए साथ। जय गुरु गोरखनाथ, जय बागड़ वाले की, जय धाम आहार की, जय नीले घोड़े वाले की, जय गोगा मेरी धाम की। तो भक्तों, दोस्तों, मित्रों और मेरे जैसे सेवकों, आज हम बताने वाले हैं इसमें बाबा जी गुरु गोरखनाथ के जीवन की वो अनछुआ पहलू, जिसमें हम ये बताएंगे कि किस तरह बाबा गुरु गोरखनाथ को किन परिस्थितियों में एक औरत का रूप धरना पड़ा था, किन परिस्थितियों में एक महान तपस्वी सन्यासी को एक औरत के रूप में कार्य करना पड़ा था, एक स्त्री रूप में कार्य करना पड़ा था। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह बाबा गुरु गोरखनाथ ने पेड़ से टूटे हुए आमों को वापस पेड़ पर जोड़ा था। जी हाँ, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर वो आपने नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उसको जरूर देखिएगा। और आज हम बात करते हैं स्त्री रूप की, कि जब बाबा गुरु गोरखनाथ ने धरा स्त्री रूप, तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि कड़ीवा नाथ जी से पता चला उन्हें, गुरु गोरखनाथ जी को, कि मेरे गुरु त्रिया राज में स्त्री सुख भोग रहे हैं, तो गुरु गोरखनाथ जी का मन विचलित हो उठा। गुरु गोरखनाथ जी का मन विचलित हो उठा और उन्हें प्रण किया कि मैं अपने गुरु को, अपने महाराज को इस नरक की यातना से बाहर निकालूंगा, क्योंकि उनका मानना यह था कि योग संन्यास लेने के पश्चात स्त्री सुख एक नरक के समान है, पाप है, और वो इस कार्य को करने के लिए चल दिए। तो गुरु गोरखनाथ तेरे राज की तरफ जा रहे हैं और जाते जाते मन में बोल रहे हैं कि बाबा मच्छेंद्रनाथ, मेरे गुरु महाराज, मैं आपको कैसे निकालूं। जब वो त्रिराज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि त्रिराज में किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है, वहां पुरुष जाते ही नहीं है, वहां पुरुष जाते ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोच रहे थे। और सोचते सोचते बाबा ने आसन लगाया और आसन लगाकर अपने गुरु को याद करने लगे। वो आसन लगा के बैठे थे, कभी वहां एक रथ आके रुका और उस रथ के पीछे कुछ साथी थे, बैलगाड़िया थी। वो रथ था रानी कालिंगा। रानी कालिंगा जो कि गायन विद्या में बहुत निपुण थी, जो कि शास्त्रीय संगीत में बहुत निपुण थी, और पीछे जो बैलगाड़ियां चल रही थी वो उनके साथियों की चल रही थी। तो वो बैलगाड़ियां, वो रथ आके बाबा गुरु गोरखनाथ के पास रुका और उन्होंने गुरु गोरखनाथ से बोला कि हे साधु महाराज, हम त्रिया राज जा रहे हैं, क्या ये रास्ता सही है? मेरे गुरु गोरखनाथ तो बैठे थे, ये सोच रहे थे कि मैं त्रिया राज में जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। और तभी रानी कलिंगा आ गई। गुरु गोरखनाथ की जो तपस्या उन्होंने शुरू की थी, जो आरंभ का फल उनको तब क्षण मिल गया। और जब रानी कलिंगा आई, उन्होंने पूछा बाबा से, तो बाबा गुरुनाथ बोले, एक क्षण रुके और बोले, मुझे सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है। वो बोली, मेरा नाम है रानी कलिंगा। बोले, अच्छा, आपका नाम रानी कलिंगा है, आप क्या करते हैं? तो बोले, मैं शास्त्रीय संगीत में निपुण हूँ, मैं गायन करती हूँ और ये मेरे सभी साथी हैं जो गायन वादन करते हैं। बोले, आप तिरिय राज में क्यों जा रहे हैं? तो रानी बोली कि हम तिरिय राज में रानी मेनका मैकनाकनी के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो
शास्त्रीय संगीत की, गायन की वो कलाकारों की बहुत कदर करती हैं, और मैं जा रही हूँ उनके राज दरबार में एक प्रस्तुति करने, ताकि उस प्रस्तुति से खुश होकर मैं उनसे कुछ इनाम लेकर आ सकूँ, कुछ धन वैभव ला सकूँ, कुछ प्रशंसा प्राप्त कर सकूँ। अब मेरे महाराज को यहाँ पे एक युक्ति आई। महाराज बोले कि ठीक है कालिंगा जी, बिल्कुल सही है, जा रही हैं, यही शास्त्रीय राज को जाता है, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। रानी मैनाकनी के पास कालिंगा सोच में पड़ गई। उन्होंने बोला कि बाबा मैं आपको ले तो जाऊं, पर त्रिया राज में तो पुरुष का प्रवेश ही वर्जित है। तो बाबा बोले तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, प्रवेश वर्जित है तो मैं चला जाऊंगा अंदर, मुझे लेके चलो, मुझे वहां पे जाके मार देंगे, कोई बात नहीं। बोले नहीं महाराज, इस राज्य की रक्षा स्वयं हनुमान करते हैं और वो आपको मार देंगे। तो महाराज बोले देखो ऐसा है कलिंगा रानी, मुझे अपने गुरु को लेके आना है, मुझे अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को लेके आना है, तो मुझे अंदर तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक काम करते हैं, मैं आपके वादन कर दूंगा। तो बोले आपको वादन करना आता है, आपको तबला बजाना ढोलक बजाना आता है? बोले मुझे आता है। बोले तो एक बार बजा के दिखाइए। मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ ने एक मंत्र अभिमंत्रित किया, भस्म को अपने माथे पर लगाया और वो ढोलक बजाना शुरू कर दिया। उस ढोलक की इतनी सुंदर इतनी मधुर ताल थी कि रानी कलिंगा मोहित हो गई। और रानी कलिंगा बोली ठीक है महाराज, मैं आपको ले तो चलूंगी, पर मैं आपको दूंगी क्या, आपको चाहिए क्या? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हूं, मुझे अपने गुरु को लेकर आना है, मुझे तो केवल दो रोटी चाहिए। फिर रानी कलिंगा ने पूछा महाराज आपको दो रोटी चाहिए, पर हम आपको लेके कैसे चलेंगे? बोले आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। अब रानी कलिंगा बहुत प्रसन्न हुई, इतना अच्छा वादन करने वाला उनको मिला, वो भी केवल दो रोटी में, इतना सस्ता कि पूरे दिन की उसे दो रोटी चाहिए केवल खाने के लिए, और वो वादन करेगा, आह आनंद आ गया। तो कलिंगा रानी बोले ठीक है महाराज, हम आज रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह आपके साथ चल पड़ेंगे। भोर हुई, ब्रह्म मुहूर्त में महाराज उठे और उठ के नित्य कर्म से फारिक होने के बाद अपनी साधना में बैठे। रानी कलिंगा उठी, उन्होंने देखा तपस्वी महाराज साधना में बैठे हैं, वो भी अपने नित्य कर्म से फारिक हुई और बोली तपस्वी महाराज बाबा चलें? बोले हाँ चलिए। तो बोली बाबा मैं फिर आपसे पूछती हूँ, आप एक पुरुष आप जाएंगे कैसे? तो बाबा बोले रुकिए कलिंगा जी, रानी कलिंगा मैं आपके साथ चलने योग बन जाता हूँ। और बाबा ने धुनी उठाई और धुनी में एक मंत्र लगाया और मंत्र लगा के अपने ऊपर डाल दी और रानी कलिंगा के समान एक तेजस्वी औरत का रूप धारण कर लिया, एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। और बोले रानी कलिंगा अब तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तो रानी कलिंगा उनका रूप देख के मोहित हो गई और रानी कलिंगा बोली आह आह क्या बात है महाराज, आपने जो रूप धरा है इस रूप को देखकर तो मैं ही इतनी मोहित हो जा रही हूँ। तो रानी मैनाकनी क्या पहचाने लिया आपको, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत ही सजीव लग रहे हैं, चलिए महाराज आप मेरे साथ चलिए। और इस तरह मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ तपस्वी महान शक्तिशाली अपने गुरु बाबा मच्छिंद्रनाथ को लाने के लिए रानी मैनाकनी के राज्य त्रिया राज्य में एक औरत का रूप धर के गए। और यही वो परिस्थिति थी, यही वो कारण था जिसकी वजह से बाबा महाराज को, गुरु महाराज को सन्यासी होते हुए भी एक स्त्री का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि उनके गुरु की बात थी, उनके गुरु की तपस्या की बात थी, उनके गुरु के मान की बात थी। अपने गुरु की तपस्या के लिए, अपने गुरु के मान के लिए, अपने गुरु के आनंद के लिए मेरे महाराज ने एक स्त्री का रूप धारण किया, एक औरत का रूप धारण किया और रानी कलिंगा के साथ वो उस भवन में राज्य दरबार की तरफ चल दिए, जहाँ गुरु गोरखनाथ के गुरुजी बाबा मच्छिंद्रनाथ थे, अपने गुरु को लेने के लिए चल दिए। सज्जनों भक्तों, ये था बाबा गुरु गोरखनाथ की जीवन शैली का वो अनछुआ पहलू जिसमें उन्होंने एक औरत का रूप धारण किया। और किसलिए किया ये आप सभी जान गए हैं कि अपने गुरु महाराज को त्रिया राज से छुड़ाने के लिए उन्होंने औरत का रूप धारण किया। आशा करता हूँ कि यह जानकारी, ये अनछुआ पहलू, ये रोचक कथा आपको आनंदित लगी होगी, आनंदित किया होगा इसने आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि बहुत सारे लोग इस कथा तक पहुँच सकें।
गुरु महाराज, मेरे गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी भक्तों पर बनी रहे, सभी लोगों पर बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु गोरखनाथ।